The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों आज हम बात करेंगे वैस्कुलाइटिस के बारे में। क्या है ये बीमारी? मेडिकल टर्म्स में वैस्कुलाइटिस कहते हैं, सिंपल भाषा में आपकी खून की नसों में इन्फेक्शन हो गया। खून में नहीं, खून की नसों में, ब्लड वेसल्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाना या बेसिकली इन्फ्लामेशन हो जाना। इन्फेक्शन ज़रूरी नहीं है, इन्फ्लामेशन ज़रूरी है। वैस्कुलाइटिस इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ योर ब्लड वेसल्स। अब इससे क्या होगा, आपकी ब्लड वेसल वॉल्स चेंज हो जाएंगी, वो मोटी हो जाएंगी, खून की नसों की वॉल मोटी होगी, दीवारें मोटी हो गई तो खून की नसों के अंदर का जो डायमीटर है, जो वॉल्यूम है, वो छोटा हो जाएगा। उसके अलावा वॉल्स जो हैं वो नैरो होने के अलावा स्कार हो सकते हैं, वहाँ स्कारिंग बनेगी, इन्फ्लामेशन फिर स्कार। सो इसके अलावा स्कारिंग बनेगी तो क्या होगा, नंबर एक ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्ट होगा, जहां पर भी ब्लड फ्लो जाना चाहिए वहां पर रिस्ट्रिक्ट होगा, मतलब जिस जिस जगह नहीं जाएगा उस जगह का ऑर्गन फेलियर हो सकता है, टिश्यू डैमेज हो सकता है। तो पेशेंट कैसे आएगा, ऑर्गन फेलियर से आएगा, टिश्यू डैमेज से आएगा, आएगा कि लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा, किडनी ठीक से काम नहीं कर रही, हाथ में दिक्कत आ रही है, कहीं दिक्कत आ रही है, पेटों में दर्द है, और उसमें देखेंगे तो इंटेस्टाइन का एक पार्ट है जो ठीक से काम नहीं कर रहा, देखेंगे तो उसमें ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा। सो ऐसे चीजें हो सकती है, कई सारे प्रकार के वैस्कुलाइटिस होती है, वो मतलब लिटरली आपके बॉडी के हर एक ऑर्गन को अफेक्ट कर सकता है। और कुछ बहुत कॉमन है, कुछ बहुत रेयर है, और वैस्कुलाइटिस कभी कभी ऐसा भी होता है सिर्फ एक ऑर्गन को अफेक्ट करेगा, सिर्फ और सिर्फ ऑर्गन, सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्गन, यानी लिवर तो लिवर, किडनी तो किडनी, बाकी कुछ नहीं। सो कई बार वो पूरी बॉडी को अफेक्ट करेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि एक्यूट हो रहा है, यानी थोड़े देर के लिए हो रहा है, कुछ दिनों के लिए हो रहा है, फिर ठीक हो जाएगा दवाई से या बिना दवाई के, वैसे ही थोड़ा बहुत डैमेज करके, थोड़ी बहुत स्कारिंग करके, थोड़े बहुत दिक्कत करके, या फिर क्रोनिक हो सकता है, लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है। लॉन्ग लास्टिंग इटसेल्फ इज अ वेरी डिबिलिटेटिंग डिजीज, बहुत दिक्कत हो सकती है, और ये किसी को भी हो सकता है, किसी भी ग्रुप में हो सकता है। अब ट्रीटमेंट किस पे डिपेंड करेगा, किस टाइप का है, कितना हैवी है, इसको और ज्यादा मेडिकल वर्ड में एंजाइटिस या आर्टराइटिस भी बोलते हैं। आर्टराइटिस यानी आर्टरी का इन्फ्लामेशन, वैस्कुलाइटिस यानी ब्लड वेसल का इन्फ्लामेशन, एक ही बात। इसके बहुत सारे प्रकार हैं, टाइप्स हैं, मैं नाम बता देता हूँ फिर उसका सिम्टम बताऊंगा। नाम में बेचेस डिजीज, बर्जर्स डिजीज, क्रायोग्लोबिनीमिया, जाइंट सेल आर्थराइटिस, चॉक स्ट्रॉस सिंड्रोम, ग्रैनुलोमैटस, पॉलीएंजाइटिस, कावासाकी डिजीज, टाकायासु आर्थराइटिस, राइट, और परप्यूरा भी होता है, हेमनॉक, बहुत खतरनाक नाम है परप्यूरा। सो अगर कहीं आपके खून की नसों में इन्फ्लामेशन हो गया तो सिम्टम कैसे आएंगे, याद रखिए सिम्टम आएंगे किस एरिया में ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा, किस ऑर्गन का डैमेज हो रहा, उसके बेसिस पे तो सिम्टम बहुत अलग 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 हो सकते हैं, लेकिन कुछ बेसिक चीज तो होगा। इन्फ्लामेशन है तो फीवर होगा, कभी कभी हेडेक हो सकता है, हर इन्फ्लामेशन में हेडेक हो सकता है, फटीग होगा, कमजोरी आएगी, वेट लॉस हो सकता है, वेट लॉस होगा, बॉडी में कहीं कहीं पेन होगा, जनरलाइज्ड पेन होगा, रात को पसीने आ सकते हैं, नाइट स्वेट्स हो सकता है, और रैश हो सकते हैं, इवन नर्व प्रॉब्लम आ सकता है, नमनेस हो सकता है, क्योंकि उस एरिया में ब्लड सप्लाई कम होगा तो सुनपना आएगा, दर्द भी होगा, टिश्यू डैमेज होगा। तो काफ़ी सारे इसके साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो हमें देखने होते हैं। इन्फ्लामेशन जैसे कि एग्जाम्पल बता देता हूँ, वो डॉक्टर देखते हैं, क्योंकि बेचेट्स डिजीज जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे आर्टरी और वेन्स दोनों में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें क्या होता है, मुंह के अंदर या फिर जेनाइटल रीजन पे या आँख के आसपास एक्नी के जैसे छोटे छोटे लेजन्स आने लग जाते हैं, तो वो स्किन को डैमेज करने लग जाते हैं, तो हमें उससे एक आइडिया मिलता है भाई ये हुई हो सकता है, अगर उसको बाकी सारे सिम्टम है ये है। वैसी हर एक टाइप के वैस्कुलाइटिस के अलग अलग साइन एंड सिम्टम्स हैं, जिसके हिसाब से फिर डायग्नोसिस होता है। बट अल्टीमेट इसका कारण क्या है, What causes vasculitis? Vasculitis आपके खून के नसों में inflammation क्यों हो रहा है, exact reason इसका नहीं पता। कई सारे कारण जो सोचे जाते हैं, कई बार
जैसे कि इम्यून सिस्टम आपका ओवर एक्टिव है, ऑटो इम्यून डिजीज है, इम्यून सिस्टम डिजीज आपको है अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, लूपस, स्क्लेरोडर्मा, तो आपके चांस बढ़ जाएंगे ऐसी इन्फेक्शन होने से होने के। किसी को हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन है तो उसके चांस बढ़ जाते हैं। वो रिस्क फैक्टर्स मान लीजिए, ट्रिगर मान लीजिए ये है, और कई ड्रग रिएक्शन के वजह से भी हो सकता है ऐसा, और ब्लड कैंसर्स के वजह से भी हो सकता है ऐसा। तो ब्लड वेसल्स के अंदर वेस्कुलाइटिस होती है, वो इन्फ्लेम होगी, मोटी होगी, थिकन होगी, नैरो होगी, ऑक्सीजन सप्लाई कम करेगी, टिश्यू डैमेज करेगी, और ब्लड सप्लाई फिर वह हील होगी तो स्कार होगी, ये हिसाब है। स्मोकिंग रिस्क बढ़ाता है, हेपेटाइटिस बी सी रिस्क बढ़ाता है, ऑटोइम्यून डिजीज रिस्क बढ़ाता है, डायबिटीज रिस्क बढ़ाता है। तो कॉम्प्लिकेशंस होंगे क्या अगर ये होता है, ऑर्गन डैमेज होगा, तो ऑर्गन डैमेज इज वन कॉम्प्लिकेशन। सेकेंड कॉम्प्लिकेशन इज वी विल हैव मोर ब्लड क्लॉट, ज्यादा ब्लड क्लॉट बनेंगे ऐसे खून की नस में जहां पर इन्फ्लामेशन हो रहा है। ऐसी खून की नस जहां इन्फ्लामेशन हो रहा है वो फूल भी सकती है, वो एन्यूरिज्म बना सकती है, एन्यूरिज्म ऐसे फुग्गा बन सकता है उसमें, एन्यूरिज्म फूटे तो जानलेवा हो सकता है। कई बार ऐसी छोटी छोटी नसें में डैमेज होके, जैसे आंख की नसें बहुत छोटी होती हैं तो आई की नसें डैमेज हो सकती हैं तो आंख खत्म, जॉइंट सेल आर्थराइटिस हो तो विजन लॉस हो सकता है, यू कैन बी ब्लाइंड बिकॉज ऑफ दैट। इन्फेक्शन सुपर एडेड इन्फेक्शन हो, किसी एरिया में ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा तो उस एरिया में जब परफ्यूजन नहीं होगा तो वहाँ डैमेज भी होगा, डैमेज पे इन्फेक्शन भी हो सकता है, और इन्फेक्शन ठीक भी नहीं होगा तो ठीक करने के लिए जो हमारे सेल्स ने वहाँ जाना चाहिए वो जा भी नहीं पाएगा। सो देर इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम देर। सो इसीलिए ये काफ़ी सारा डेंजरस बीमारी है जो कि कई लोगों को होती है। अब इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं अल्टीमेटली? देखो, आप जब हॉस्पिटल आते हैं ऐसे किसी सिम्टम को लेके, तो आपकी बीमारी एक जनरलाइज बीमारी होती है भाई, राइट? कई सारे हर एक टाइप के, इसमें हमें वेस्कुलाइटिस को एक, जब जब बीमारी ठीक नहीं होती तो वेस्कुलाइटिस को एक कारण लेके चलना पड़ता है। इसमें आपका सी रिएक्टिव प्रोटीन हाई रहेगा, इन्फ्लामेशन है, याद रखिए, जैसे आपका कोरोना में भी हाई रहता है, और आपका कुछ प्रकार के ब्लड टेस्ट होते हैं जैसे एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जो डायग्नोस करता है। और बाकी ESR कंप्लीट ब्लड काउंट, CBC, बाकी सारे इन्फेक्शंस, लिवर किडनी एक्सेट्रा एक्सेट्रा टेस्ट, कौन सा ऑर्गन डैमेज हो रहा है उसका टेस्ट, यूरिन टेस्ट, अगर यूरिन में आपके रेड ब्लड सेल्स आ रहे हैं, प्रोटीन आ रहे हैं, तो मतलब वहाँ पे किडनी में प्रॉब्लम हो सकता है। आपके नॉन इन्वेजिव टेस्ट, इमेजिंग टेस्ट कर सकते हैं, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, पेट स्कैन, जिससे पता चले बॉडी में कहाँ पे क्या इशू चल रहा है। एंजियोग्राफी की जा सकती है, खून की नसों को एक्सरे से CT स्कैन से देखा जा सकता है, लेकिन सिर्फ देखने से नहीं बता सकते कि इसमें इन्फ्लामेशन चल रही है या नहीं, उससे ये बता सकते हैं कि उसमें कहीं क्लॉट तो नहीं है, उसमें ये बता सकते हैं उसमें कहीं सूजन एन्यूरिज्म तो नहीं है, कोई गुब्बारा तो नहीं बन गया, जो कि एक कॉम्प्लिकेशन है उसका बाद में। सो ये सारी चीज़ों को लेके फिर हमें डायग्नोस करना पड़ता है, और सबसे बड़ा टेस्ट जो होता है वो है बायोप्सी। जी हाँ, बायोप्सी में क्या होता है, जिस टिश्यू पे डाउट होता है उस टिश्यू का, उस सर्जरी से एक छोटा सा पार्ट निकाला जाता है, उस टिश्यू से निकाल के ये देखा जाता है कि उस टिश्यू में प्रॉब्लम क्या है। अगर मान लो लिवर में प्रॉब्लम, तो लिवर में प्रॉब्लम क्या है, लिवर में कहीं वेस्कुलाइटिस तो नहीं हो रहा, लिवर की देखेंगे तो खून की नसें सारी सूजी सूजी दिख रही है, मतलब इट्स अ वेस्कुलाइटिस। लिवर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, टिश्यू में कोई प्रॉब्लम, टिश्यू में भी प्रॉब्लम है, खून की नसों में सूजन है, वेस्कुलाइटिस इज अ पॉसिबिलिटी। सो ऐसी चीज़ों को देख के आपका डायग्नोसिस किया जाता है, सारे सबूतों को इकट्ठा करके, हिस्ट्री को लेके, सिम्टम्स को लेके एक निष्कर्ष पे पहुंचा जाता है, और फिर उसका ट्रीटमेंट निकाला जाता है कि भाई ट्रीटमेंट डिपेंड्स अपॉन कि इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करना है, CRP लेवल को कम करना है। कैसे करना है, एंटी इन्फ्लामेटरी दवाइयाँ देके, एंटी इन्फ्लामेटरी पहले तो एक्यूट थेरेपी होगी इन्फ्लामेशन कम करें, और फिर सेकेंडरी मेंटेनेंस थेरेपी होगी कि वापस ना आ जाए, रिलैप्स ना हो जाए। सो दो फेजेज हैं इसमें, याद रखिए, दोनों फेजेज में आपको मॉनिटरिंग चाहिए, डॉक्टर के पास रेगुलर विजिट चाहिए, अपने खुद के हैबिट्स को समझना पड़ेगा, ये नहीं कि आप दवाई खा रहे हो फिर स्मोकिंग कर रहे हो, जय माता दी, लेट्स रॉक, ऐसा नहीं होता, ठीक है। उसके बाद मेडिकेशन, स्टीरॉइड्स यूज होता है इसमें, बिल्कुल स्टीरॉइड्स यूज होता है, मेथाइल प्रेडिसोलोन प्रेडिसोन, जिससे इन्फ्लामेशन कंट्रोल हो सकता है बहुत आसानी से, बहुत जल्दी हो जाता है, उससे रिजल्ट अच्छा मिलता है। तो एक्यूट फेज में जब बहुत दिक्कत डैमेज हो रही है तो उस समय ऑर्गन को बचाने के लिए, दर्द को बचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टीरॉइड का देना। फिर मेंटेनेंस स्टेज में धीरे 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 स्टीरॉइड को डोज करके, थिनिंग करके उसको बंद किया जाता है, क्योंकि उसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट है वेट गेन, डायबिटीज, बोन थिनिंग, ऑस्टियोपोरोसिस, तो स्टीरॉइड बहुत दिनों तक नहीं दिया जा सकता, तो स्टीरॉइड इज अ शॉर्ट टर्म थेरेपी। इसके अलावा कई और दवाइयां हैं, जैसे कि स्टीरॉइड स्पैरिंग दवाइयां, जैसे कि मेथोट्रेक्सेट, एजाथियोप्रीन,
माइकोफिनोलेट और साइक्रोफॉस्फामाइड, ये सारी जो होती हैं ये भी आपके इन्फ्लामेशन को कम करती हैं। उसके अलावा डिपेंडिंग अपॉन किस जगह हो रहा है, बायोलॉजिकल एजेंट्स भी यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे रिटोक्सीमैप, टॉक्सीजुलीमैप, ऐसी चीज़ें। ये काफ़ी हाई लेवल के मेडिकेशन हो गई जो कि बहुत महंगी भी आती हैं, लेकिन रेयरली जब पहला लेवल ट्रीटमेंट नहीं काम आता तब इस्तेमाल की जाती है। और आखिरी में एट द एंड ऑफ द डे कभी कभी अगर मान लीजिए क्लॉट है या बहुत कॉम्प्लिकेशन आ गया है, तो एन्यूरिज्म हो गया है, एन्यूरिज्म फट गया तो जान जाए कि क्लॉट कहीं फंस गया फेफड़ों में या दिमाग में, तो स्ट्रोक फेफड़ों में फंस गया, लंग में फंस गया, तो जान जाएगी। इसलिए फिर क्लॉट या वैसा कुछ दिखता है तो फिर उसको सर्जिकली या फिर क्लॉट खून पतला करने की दवा देके निकाल दिया जाता है। सर्जिकली आप बलून के अंदर कॉइलिंग कर सकते हैं, जो एनोरिज्म बन गया है उसको ऑपरेट कर सकते हैं या उसके अंदर कॉइलिंग कर सकते हैं। बट आप क्या कर सकते हो, आपको अपनी कंडीशन को समझना है, ट्रीटमेंट प्लान को समझना है, हेल्दी डाइट खानी है, रेगुलर आपके वैक्सीनेशंस लेनी है ताकि आपको ऑल इन्फेक्शन ना मिले, और अपने डॉक्टर से रेगुलर विजिट करना है। आप इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, एक हेल्दी लाइफ जिए, स्मोकिंग से दूर रहिए, और बहुत ज़रूरी है अगर आपके फैमिली में किसी को वैस्कुलाइटिस है तो आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। हेल्दी एक्सरसाइज इज़ वेरी गुड फॉर योर ब्लड वेसल्स, कार्डियोवैस्कुलर इस एक्सरसाइज इसीलिए नहीं कहते, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। दैट्स ऑल, आई होप दिस टीचेस यू समथिंग, एंड इफ इट डिड देन प्लीज शेयर दिस वीडियो टू एवरी सिंगल पर्सन यू नो, सो दैट एवरी वन गेट्स सम नॉलेज। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।